Hi friends, once again welcome to VR Coaching. This is Vikram Ganeshan and today we are going to solve the exercise 2.4 of CBSE class 9th. Okay, so let's move on to the first question. That is, determine which of the following polynomials has x plus 1 as a factor. Which means x plus 1 factor hai, to हम लोग सॉल्व किस तरीके से करेंगे इसको. हम लोगों ने इससे पहले वाले जो एक्सरसाइज थी उसमें भी हमने रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम अप्लाई करके आंसर्स फाइंड आउट किए थे. अब अगर किसी इक्वेशन का, अगर फॉर एग्जांपल हम लोगों ने जो x प्लस वन फैक्टर प्रूफ करना है हमें है या नहीं, तो जो ये इक्वेशन है जब हम इसकी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर हमेशा ज़ीरो आना चाहिए. ये मैंने पिछली एक्सरसाइज में भी बोला था और इस एक्सरसाइज में भी हम लोग इसी तरीके से इसको सॉल्व करने वाले. तो x प्लस वन फैक्टर है या नहीं चेक करने के लिए पहले x प्लस वन को इक्वेट करना पड़ेगा ज़ीरो से और फिर वन जो है वो शिफ्ट हो जाएगा इधर. क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू माइनस वन. देखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस वन अब डायरेक्टली उन्होंने सॉल्व किया है. तो आपको करना क्या है, आपको शुरुआत लिखनी है पी ऑफ x इज इक्वल टू जो इक्वेशन है वो, और उसके बाद में हम लोगों ने x इज इक्वल टू माइनस वन जो फाइंड आउट किया था तो x की जगह पे देखिए माइनस वन आ गया. अब अकॉर्डिंगली जितनी डिग्री है उसके हिसाब से आपको उसको सॉल्व करते जाना है. तो मैं इसको जूम करता हूँ और देखिए यहाँ पे माइनस वन का क्यूब आ गया, फिर माइनस वन का स्क्वायर आ गया, वापस माइनस वन और प्लस वन. माइनस वन का क्यूब क्या होता है? माइनस वन. माइनस वन का स्क्वायर होता है प्लस वन. माइनस वन एज इट इज़ इसको हम यहीं पर कट भी कर सकते हैं और यहाँ पे सिर्फ दो नंबर्स बचते हैं फिर, दैट इज़ माइनस वन एंड प्लस वन, वो भी कट हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा ज़ीरो. तो इसका मतलब है क्या, अगर हम डिवाइड करते हैं एक्स प्लस वन से इस पूरी इक्वेशन को तो हमें रिमाइंडर हमेशा ज़ीरो ही मिलेगा. दस वी कैन कंक्लूड दैट एक्स प्लस वन इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन. ओके, सिंपल था. तो वैसे ही अभी आपको ये एक्स माइनस वन जो है आपको हर एक इक्वेशन में प्लेस करना है, सब्स्टिट्यूट करना है और फाइंड आउट करना है कि वो ज़ीरो आता है या नहीं. देखिए नेक्स्ट वाले में भी ज़ीरो है या नहीं, नहीं है, वन आंसर आ रहा था. जब वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट किए एक्स की जगह पे माइनस वन तो उनका फाइनल आंसर वन आया है, विच मीन्स द एक्स माइनस दैट एक्स प्लस वन इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन. वाई? बिकॉज द रिमाइंडर इज़ वन नॉट ज़ीरो. सिमिलरली नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन के अंदर भी देखिए वन आंसर आ रहा है, तो देयर फोर यहाँ पर भी एक्स प्लस वन फैक्टर नहीं है. फोर्थ क्वेश्चन के अंदर भी टू रूट टू आंसर आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर भी एक्स प्लस वन जो है वो फैक्टर नहीं है. तो सिर्फ फर्स्ट वाला जो ऑप्शन था वो मतलब उसके अंदर ही हमारा एक्स प्लस वन जो है फैक्टर आ रहा था. क्यों आ रहा था? क्योंकि उसका रिमाइंडर सॉल्विंग के बाद में ज़ीरो आया. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. दैट इज़ यूज़ फैक्टर थ्योरम जो कि हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में की थी. डिटरमाइन वेदर जी ऑफ एक्स इज़ अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स. जी ऑफ एक्स मतलब ये, तो हमें ये चेक करना है कि ये जो है इस इक्वेशन का फैक्टर है कि नहीं. बहुत ही सिंपल है, हम लोगों ने पहले भी किया है. एक्स प्लस वन की जगह पे लिखना है क्या, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, वन उधर शिफ्ट हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन. ये माइनस वन कहाँ पे प्लेस करना है, जहाँ जहाँ पे एक्स दिखेगा इस इक्वेशन में वहाँ पे हमें माइनस वन सब्सटीट्यूट कर देना है. तो चलिए देखते हैं आगे किया क्या है. तो देखिए यहाँ पे माइनस वन जो है उन्होंने वैल्यू सब्सटीट्यूट किए टू इंटू माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू इंटू माइनस वन एंड फाइनली माइनस वन. तो अभी इसको हम आगे फर्दर सॉल्विंग करते हैं इसकी और देखते हैं कि क्या क्या होता है. माइनस वन का क्यूब माइनस वन होता है और टू से मल्टीप्लाई करने के बाद में ये माइनस टू आना चाहिए था जो कि नहीं लिखा है वहाँ पे उन्होंने. माइनस टू यहाँ पे क्या होगा, प्लस वन. यहाँ पे क्या होगा, प्लस टू. और ये है माइनस वन. देखिए वन और माइनस वन कैंसिल हो गया, टू और माइनस टू कैंसिल हो गया. तो लिखा तो उन्होंने है यहाँ पे ऐसे, बट आंसर देखिए आ रहा है ज़ीरो. ओके, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है. तो ज़ीरो आ गए हैं, देयरफॉर जी ऑफ एक्स इज़ अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स. सिमिलरली एक्स प्लस टू वाले में आपका फैक्टर क्या हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा. माइनस टू वैल्यू सब जगह पे सब्सटीट्यूट कीजिए और आंसर फाइंड आउट करिए. आंसर देखिए माइनस वन आ रहा है. अगर ज़ीरो आ जाता तो हम कहते कि येस जी ऑफ एक्स इज़ अ फैक्टर, बट हियर इट इज़ नॉट अ फैक्टर बिकॉज देर इज़ अ रिमाइंडर दैट इज़ माइनस वन.
सिमिलरली देखिए यहाँ पर x माइनस थ्री है, तो x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो करेंगे, इक्वेट टू जीरो, थ्री उधर शिफ्ट होगा, आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू थ्री, थ्री अगर सब्सटीट्यूट करते हो आप तो आंसर देखिए जीरो आता है. तो देयरफॉर g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इन दिस थर्ड क्वेश्चन. और यहाँ पे सेकेंड नंबर का क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो जाता है. तो आई थिंक अभी तक बहुत ईजी चल रहा था, देखते हैं हम आगे और किस तरीके से सॉल्व करना है हमें. ओके यहाँ पे इधर ने क्वेश्चन में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हर चार क्वेश्चंस दिए उनमें हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है. और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x माइनस वन इज़ अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, पहले से ही बोला है x माइनस वन जो है ना वो फैक्टर है. तो x माइनस वन अगर फैक्टर है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो, मतलब पी ऑफ ए और जो भी है पी ऑफ एक्स जो था दैट विल बी इक्वेटेड टू ज़ीरो, क्योंकि फैक्टर है ना, और फैक्टर में क्या होता है रिमाइंडर ज़ीरो होता है, इसलिए हमने उसको इक्वेट टू ज़ीरो लिखा. अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है. देखिए पहले में ही उन्होंने बोला था एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो हमें प्लेस करना है इस इक्वेशन के अंदर. तो एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो लिख दिया, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आया, वन आया. तो वन की वैल्यू हमें एक्स की जगह पर डाल दिए. तो देखिए यहाँ पे वन की वैल्यू डाली है और साथ ही साथ उसको इक्वेट कर दिया ज़ीरो से. तो देखिए वन का स्क्वायर वन होता है, वापस वन, वन प्लस वन कितना हो गया टू, टू जब उधर शिफ्ट होगा आंसर क्या आएगा, माइनस टू. ओके तो मैं इसको थोड़ा जूम इन करके दिखा देता हूँ. अब हर बार हमें करना क्या है कि वन की वैल्यू डालनी है. तो फॉर एग्जांपल ये सेकंड इक्वेशन है, वन की वैल्यू यहाँ पे डाल दी, के के साथ में एक्स था तो वन की वैल्यू वहाँ पर भी डाल दी, इक्वेशन बन गई टू प्लस के प्लस रूट टू. और जब हम इसको शिफ्ट कर देंगे टू प्लस रूट टू को, दैट विल माइनस कॉमन आएगा, टू प्लस रूट टू ब्रैकेट के अंदर रहेगा, ये आंसर आ जाता है. सिमिलरली यहाँ पर भी कुछ इस तरीके का आंसर देखिए, यहाँ पे टू रूट टू माइनस वन. फोर्थ क्वेश्चन के अंदर आंसर क्या आता है, के इज इक्वल टू थ्री बाई टू, सब जगह पे आपको वन ही प्लेस करना है. अब आ जाते हैं फैक्टराइज की तरफ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपका. अगर ये फैक्टराइज अच्छे से हो जाता है तो टेंथ स्टैंडर्ड का बेस जो है वो यहीं से सेट हो जाता है, क्योंकि टेंथ स्टैंडर्ड में भी आपको पॉलिनोमियल्स का लेसन है और वहाँ पर सॉल्विंग जो है वो थोड़ी सी इसी तरीके की है. तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, 12x² माइनस 7x प्लस 1. ओके 12x² माइनस 7x प्लस 1. तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ये स्प्लिटिंग द मिडल टर्म की तरह हमें फैक्टराइज करना है. और एक चीज़, फैक्टराइज मतलब जैसा कि हम लोगों ने शुरुआत में देखा था कि x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर है ना, तो x प्लस 1 एक अगर फैक्टर बोला गया है तो वो ब्रैकेट के अंदर है, तो हमें इधर भी ब्रैकेट्स के जैसे बनाना पड़ेगा. विच मीन्स फैक्टराइजिंग का मतलब क्या है कि हमें ब्रैकेट्स लगाने हैं, तो एक्सपांड नहीं, इसको छोटा करना है इस इक्वेशन को. तो देखिए एक्स स्क्वायर के साथ नंबर जो है, हम लोग इसको अब थोड़ा सा जूम करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जांपल 12x² माइनस 7x प्लस 1 जो है उसमें हम लोग कंसिडर करते हैं फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म. मैंने जैसे बोला था कि हम लोग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से कर रहे हैं, तो 12x² into plus 1 आंसर आता है 12x². अब आपको ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिससे आप जब मल्टीप्लाई करो तो आंसर आए 12x², और उन्हीं जब नंबर को प्लस करते हो तो आपका आंसर आना चाहिए माइनस 7x. तो हम लोग मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं. देखिए 6 टू ज़ा होता है 12, लेकिन 6 और 2 को मैं अगर प्लस करता हूँ तो 7 जो है माइनस 7 आंसर नहीं आता, साइन के साथ में आना चाहिए, तो ये भी याद रखना है आपको. ठीक है, तो और एक चीज़ करते हैं हम लोग, 12x² करना था तो इसकी जगह पे ले लेते हैं हम लोग 12 और 1. तो या तो प्लस कीजिए माइनस कीजिए, आंसर वो नहीं आ रहा है वैसे भी. ओके तो और एक नंबर हो सकता है 3/4 का होता है 12. ओके लेकिन 3 और 4 को प्लस करेंगे तो प्लस 7x आएगा, माइनस नहीं. तो इसलिए नेगेटिव 3x और नेगेटिव 4x ले सकते हैं हम लोग. तो देखिए नेगेटिव 3 मल्टीप्लाइड बाई नेगेटिव 4 पॉजिटिव 12 आता है, और सिमिलरली इन दोनों का जब हम एडिशन करते हैं तो नेगेटिव 7x जो हमें चाहिए था वो आ जाता है. और देखते हैं इसको फर्दर यहाँ पे नीचे कैसे सॉल्व किया हुआ है. देखिए यहाँ पर भी आपको वही दिखेगा, मैंने जैसे कि बोला था कि 12x², अभी इसकी जगह पे क्या लिखोगे, 7x की जगह पे ये नंबर लिखना है जो हम लोगों ने दो नंबर्स स्प्लिट करके निकाले हैं. तो स्प्लिट करके निकालने के बाद में आपको क्या करना है, पहले दो नंबर्स का एक ब्रैकेट बनेगा और दूसरे दो नंबर्स का जो भी कॉमन नंबर आता है वो कॉमन नंबर लीजिए और ब्रैकेट्स बनाइए.
अब इसका और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है कि जब आपके जो दो ब्रैकेट बनने वाले वो सेम होने चाहिए, अगर सेम नहीं है तो समझ लीजिए आपका कहीं ना कहीं पे रॉन्ग हो चुका है, क्योंकि वो हमारे कॉमन ब्रैकेट्स होने वाले हैं। ओके, फॉर एग्जांपल 12x² और 3x में कॉमन नंबर क्या है, तो 3x जो है वो हम लोग कॉमन ले सकते हैं, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 4x, क्योंकि 3x उसमें से निकल चुका है। 3x इंटू 4x आंसर आता है 12x, यहाँ पर ऊपर की तरफ, और 3x तो वैसे भी ब्रैकेट के बाहर है तो यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा, क्योंकि हम उससे वो उसको 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर हमें 4x माइनस 1 चाहिए, बट यहाँ पे प्लस 1 दिख रहा है आपको, तो हम लोग माइनस 1 कॉमन लेते हैं ताकि ये 4x माइनस 1 हो जाए। तो ब्रैकेट के अंदर के जो दो नंबर्स थे वो कॉमन यहाँ पे लिख दिया मैंने, यहाँ पे 4x माइनस 1, और जो ब्रैकेट के बाहर थे नंबर्स ये दोनों, इनका सेपरेट ब्रैकेट जो है वो अलग से बना दिया। इस तरीके से पहला क्वेश्चन हम लोगों ने फैक्टराइज के थ्रू सॉल्व कर लिया। देखिए सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी वैसा ही हम लोगों ने जो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म है आई थिंक वैसे ही सॉल्व किया गया है। इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट आप कीजिए, सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर सॉल्व नहीं कर रहे, आंसर्स आपको दिख रहे हैं वीडियो में, तो आप लोग चेक कर सकते हो सॉल्विंग के साथ साथ। ओके, अब आ जाते हैं फैक्टराइज की तरफ। वापस फैक्टराइज एक दिया हुआ है, बट अब इक्वेशन जो है वो है हमारी क्यूबिक। ओके, और हम लोगों को इसे सॉल्व करना है, देखते हैं किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इनके आंसर्स क्या आते हैं। ओके, तो थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखिए इसके अंदर भी वैसे ही दिया हुआ है, x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। अब देखिए क्यूबिक इक्वेशन है, मतलब क्यूबिक मतलब क्या कि यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो इसके फैक्टर्स कितने होने चाहिए, 3 फैक्टर्स बनेंगे, मतलब 3 ब्रैकेट वाले एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3, इस तरीके के कुछ नंबर्स बनेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब किस तरीके से करते हैं देखिए, अब हमें करना क्या है, तो देखिए स्टेप पहला है कि आपको लास्ट नंबर देखना है। लास्ट नंबर क्या है, लास्ट नंबर है हमारा प्लस 2। ओके, ध्यान से सुनिए, मैंने बोला है लास्ट नंबर, क्यूबिक इक्वेशन में आपको हमेशा लास्ट नंबर देखना है कि वहाँ पर है क्या, दिया हुआ है वहाँ पे प्लस 2, तो मतलब इसके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, इसका फैक्टर हो सकता है प्लस 1 या फिर माइनस 1, इसका फैक्टर हो सकता है प्लस 2 या फिर माइनस 2। ठीक है, अब बहुत बड़ा स्टेप ये है कि हमें ट्रायल एंड एरर मेथड से इनको सॉल्व करते जाना है। तो जैसा कि यहाँ पे आपने देखा कि फैक्टर्स ऑफ 2 आर प्लस 1 माइनस 1 एंड प्लस 2 माइनस 2। अब इसमें आपको अगर प्लस 1 फैक्टर चेक करना है तो आपको वैल्यू डालनी पड़ेगी इक्वेशन के अंदर, माइनस 1 चेक करना है तो वापस वैल्यू डालनी पड़ेगी, प्लस 2 करना है, माइनस 2 करना है, तो जितने भी फैक्टर्स आपको मिले हैं कंसिडरेशन करके, तो वो फैक्टर्स की वैल्यूज़ को आपको इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा। तो देखिए इन्होंने जैसा कि किया हुआ है कि यहाँ पे उन्होंने प्लस 1 लेके देखा कि सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं x इज़ इक्वल टू 1 की वैल्यू आंसर 0 आता है कि नहीं, और फिर उन्होंने वैल्यूज़ डाल दी और उनका आंसर देखिए 0 आ चुका है, तो 0 आ गया, मतलब p ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 0। तो फैक्टर थ्योरम से x इज़ इक्वल टू 1 फैक्टर है, x इज़ इक्वल टू 1 फैक्टर है, तो क्या हमको उसका ब्रैकेट चाहिए, तो ब्रैकेट किस तरीके से आएगा, x इज़ इक्वल टू 1 था, 1 को शिफ्ट कर दिया इधर, तो हो गया x माइनस 1, तो x माइनस 1 जो है वो फैक्टर है। लेकिन अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, ये तो एक ही फैक्टर हुआ है, मैंने बोला था कि क्यूबिक इक्वेशन के लिए कितने फैक्टर होते हैं, 3। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि है हमारा लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, तो हम लोग लॉन्ग डिवीजन देखते हैं अब कैसे करना है इसका। तो आपको है ना एक कॉलम बना लेना है आपकी नोटबुक के राइट साइड में, एक कॉलम सेपरेट से बना लीजिए, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अंदर जो इक्वेशन लिखी हुई है और जो हमारा फैक्टर था वो डिवीजन के जैसे बाहर लिखा हुआ है। ठीक है, मैं थोड़ा इसको जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको आंसर्स जो है वो इजीली दिख सके। ओके, अब हम करते हैं लॉन्ग डिवीजन। मेथड तो पूरा का पूरा सेम है, जो जिस तरीके से हम नॉर्मल नंबर्स का डिवीजन करते हैं वैसे ही हम अब एल्जेब्रिक टर्म्स का डिवीजन करना शुरू करेंगे। तो देखते हैं कि किस तरीके से डिवाइड किया है। तो मैंने जैसा कि बोला था आपको राइट साइड में एक कॉलम बना लीजिए। ओके, और वहाँ पर है ना x माइनस 1 पहले से ही लिख लीजिए। ठीक है,
एक्स माइनस वन लिख दिया वहाँ पे, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे बना देता हूँ ताकि एक्स माइनस वन में इजीली लिख सकूँ। ओके, ये लिखने के बाद में आपको करना क्या है, तो सबसे पहले देखना है कि इसके अंदर जो इक्वेशन है उसका पहला टर्म क्या है, दैट इज एक्स क्यूब, तो हमें उसको हटाना है। यही याद रखना है कि सबसे पहला टर्म हमें हर बार हटाना है। तो एक्स क्यूब हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक्स नहीं है, उसके साथ वन भी है, तो उसको भी मल्टीप्लाई कर लेना है। तो एक्स स्क्वायर जो लिखा था वो है हमारा पहला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ, तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है लिखा हुआ है। ओके, तो मैं देखिए यहाँ पे वापस इसको दिखा देता हूँ, एक्स स्क्वायर जो क्वेश्चन था ऊपर लिख दिया, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आपको करना क्या है, आपको देखना है कि एक्स क्यूब की साइन प्लस की थी, तो आपको उसके नीचे ना एक माइनस की साइन लगा देनी है ब्रैकेट के अंदर, और ये माइनस था तो यहाँ पे मैंने देखिए प्लस की साइन लगाई हुई है। ओके, हमेशा ऑपोजिट साइन लगाइए डिवीजन में, ऑपोजिट साइन की वजह से क्या हो गया, ये जो है ये हो गया एलिमिनेट, और ये प्लस एक्स और माइनस टू, आंसर क्या आएगा, माइनस वन एक्स स्क्वायर, और जो बाकी के टर्म है उसको नीचे लेते जाइए, इसको भी लिया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स बचा हुआ है, जिसमें हम लोग वापस क्या करने वाले, एक्स माइनस वन जो है उसके अंदर क्या मल्टीप्लाई करना है, माइनस एक्स मल्टीप्लाई करना है मुझे, ताकि ये एलिमिनेट हो जाए। तो आंसर क्या आता है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स वन एक्स, तो देखिए यहाँ पे उन्होंने लिखा है जो कि आपको दिख रहा है इजीली। ओके, अब ये जो है ये लिखने के बाद वापस क्या करना है, साइन को चेंज कर देना है, यहाँ पे तो माइनस की साइन थी तो यहाँ पे कर दिया हमने प्लस, ये प्लस की साइन थी तो देखिए यहाँ पे माइनस हो गया, इसकी वजह से क्या हो गया, ये वाला एलिमिनेट हो गया, ये कैंसिल हो गया, और माइनस एक्स और माइनस एक्स, आंसर क्या आता है, माइनस टू एक्स जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, माइनस टू एक्स, और लास्ट टर्म जो था वो ले लिया प्लस टू। अब ये लेने के बाद आपको वापस एक्स माइनस वन लिखना है राइट साइड में, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस टू से, तो माइनस टू हमारा हो गया क्वेश्चन, और फाइनल आंसर आ गया माइनस टू एक्स प्लस टू, देखिए जो लिखा हुआ है। अब ये दोनों सेम टर्म्स हैं, और जो कि साइन चेंज करने के बाद में ये भी एलिमिनेट हो जाता है, ये भी एलिमिनेट होता है, आंसर क्या आता है, ज़ीरो। तो आपका जो क्वेश्चन है ना वो आपका फैक्टराइजेशन में हेल्प करेगा ये। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू जो दिया हुआ है इसको आप वापस स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से करोगे, और स्प्लिटिंग द मिडल टर्म जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है जैसा कि ये है, और यहाँ पर ये स्प्लिट करके रखा हुआ है। स्प्लिट करने के बाद में आपके दो ब्रैकेट्स बनेंगे, दैट इज एक्स प्लस वन का एक ब्रैकेट कॉमन और एक्स माइनस टू का एक ब्रैकेट, और सबसे पहले हमने एक्स माइनस वन जो डिवीजन में यूज़ किया था वो तो पता कर लिया। तो ये है हमारे तीन फैक्टर्स। ओके, तो मैंने आपको ये एक क्वेश्चन आज एक्सप्लेन किया है, और इससे रिलेटेड जो बाकी के तीन और क्वेश्चंस थे तो आई थिंक वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, और जिन्हें भी डाउट्स होंगे तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और या फिर व्हाट्सएप कीजिए, आपके डाउट्स ज़रूर ही हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ओके, टिल देन थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ, टेक केयर, बाय।